ओम नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। किंचान्यत पांच व्रतों की पांच पांच भावनाएं, कुल 25 भावनाएं हो गई। ये भावनाएं जो थी वो क्रियात्मक थी। अब आचार्य कहते हैं किंचान्यत कुछ और भी है, यथा अमीषां व्रतानां दृढ़मार्थं भावनाः प्रति यदेतत् विपश्चित इति भावनोपदेशः तथा तदर्थं तद्विरोधिष्वपि इत्याह। जैसे व्रतों के पक्ष में जो भावनाएं थी, वैसे व्रतों की दृढ़ता के लिए कुछ विपक्ष में भी भावना आवश्यक है। हिंसा दिश्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसा दिशु अर्थात हिंसा दिख पांच पापों के प्रति, या हिंसा दिख जो पांचों पाप हैं उनमें इह और अमूत्र, इह यानी इस जीवन में, अमूत्र यानी उस जीवन में, अपाय और अवध्य। अपाय का अर्थ होता है हानि और अवध्य का अर्थ होता है दोष। इनका दर्शन करना भी एक भावना है। अहिंसादिक में स्थिर होने के लिए ये भावना भी कार्यकारी है। कुछ तो क्रियात्मक भावनाएं बताई थी उन्होंने कि वचन गुप्ति का पालन करो, मनोगुप्ति का पालन करो, ईर्ष्या समिति से चलो, आधान निक्षेपण समिति का ध्यान रखो और सूर्य प्रकाश जब तक है तब तक भोजन करो। ये जो कथन था ये अहिंसा व्रत के लिए था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अहिंसा से विपरीत जो है हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील और परिग्रह, इन पांच में क्या देखना है आपको? इह और अमूत्र, इस जीवन में और आगामी भव में। अपाय और अवध के दर्शन करने हैं आपको। यानी यहां भी अपने को हानि होगी और आगामी भव में भी हानि होगी, हिंसा दिख में अगर प्रवृत्ति करेंगे तो। अभ्युदय निःश्रेयसार्थानां नाशकोपायो भयं वा, जो सांसारिक सुख और निःश्रेयस यानी मोक्ष सुख, इन सब का नाशक है उसको अपाय कहते हैं। यानी इसमें हिंसा दिख में ये खतरा रहता, भय रहता है कि न इस जीवन में सुख हो सकता है न आगामी भव में। जो भी मर्यादा का उल्लंघन करके सुखी होना चाहते हैं वो सुख की नींद नहीं सोते। यानी दूसरे के दुख में जिसका सुख छुपा होता है वो अंदर से कभी सुखी नहीं होता है। अथवा आई है लौकिक आदि सप्तविधम भयम अपायम इति कथ्यते। अथवा सात प्रकार का जो भय बताया, लोक परलोक, अगुप्ति, अत्राण, मरण, वेदना और आकस्मिक, ये सात प्रकार के भय को भी अपाय कहते हैं। यानी हिंसा दिख में इस जीवन में भी डर लगा रहता है और आगामी भव में भी भय उत्पन्न होता है। अवध्यम गर्ह्यम, नीचे नहीं रखना, स्पीकर के पास कहीं पर देख सकता है।
अवध्य गर्ह्यम अवध्यमिति यावत् अपायश्च अवध्यंच अपाय अवध्य अवध्य का अर्थ होता है ये पाप निंद्य होते हैं, इस जीवन में भी अगर पापी पकड़ा जाता है तो निंदा का पात्र बनता है और आगामी भव में कर्म के उदय से उसकी निंदा होती रहती है जो उसने इस जन्म में पाप कमाया। इसको और समझाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं आचार्य अकलंक देव। हिंसायां तावत हिंसरो ही नित्योद्वेजनीय, हिंसा के विषय में ऐसा देखो आप कि जो हिंसा करने वाला व्यक्ति होता है वह हमेशा डरावना लगता है। सतत अनुबद्ध वैरश्च, और वो हमेशा अनुबद्ध वैर वाला होता है। वो जिसकी हिंसा करता है वो वैरी बन जाता है और खुद हिंसा करने के पहले वो दूसरों के प्रति बुरे भाव करता है। इहैव च वध बंध परिक्लेशादि प्रतिलभते, और इसी जन्म में उसको उसकी पिटाई होती है, उसको बंदी बना लिया जाता है, उसको पीड़ाएं दी जाती हैं। प्रेत्य चाशुभां गते गर्हितश्च भवति, और आगामी भव में मरने के बाद उसको अशुभ गति मिलती है और उसकी निंदा होती है। इति हिंसायाम विप्रमः श्रेयः, इसलिए हिंसा से विराम लेना ही श्रेयस्कर है। तथा इसी तरह अनतवादे अश्रद्धेयो भवति, झूठ बोलने वाला अविश्वसनीय हो जाता है, किसी को उस पर श्रद्धा नहीं होती। इहैव च जिह्वाच्छेदनादीन प्रतिलभते, और यहीं पर जिस काल में ये ग्रंथ लिखे गए हैं उस काल में सभी राजा एक ही दंड देते थे झूठ बोलने वाले को, उसकी जीभ काटते थे। और मिथ्या व्याख्यान दुखितेभ्यश्च बद्ध वैरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति, और जिनसे झूठ बोला है उसने वो उसके दुश्मन बन जाते हैं, वैर बांध लेते हैं और फिर बदला लेकर उसको बड़े परेशान करते हैं, तूने हमसे झूठ बोला था, बड़े बड़े संकटों को प्राप्त करता है, ढेर सारे संकटों को प्राप्त होता है। प्रेत्य चाशुभां गति, और मरकर दूसरी अशुभ गति को प्राप्त करता है। गर्हितश्च भवति, और वहाँ भी उसकी निंदा होती है। इति अनृत वचनात् विप्रमः श्रेयः, इसलिए झूठ वच बोलने से विराम लेना ही श्रेयस्कर है। तथा बस उसी प्रकार स्तेनः चोर परद्रव्य हरणासक्त मति, दूसरों के द्रव्यों का आहरण करने में आसक्त है मति जिसकी, यानी पर द्रव्यों उसी ताक में रहता है, कब मुझे मौका मिले और वहाँ से फिर सीसीटीवी में भले पकड़ा जाए वो बात की बात है, लेकिन उसका यही धंधा रहता है। सर्वस्य उद्वेजनीय भवति, वो सबके लिए डरावना ही होता है कि अरे भाई ये कुछ हमारे यहाँ से चोरी ना हो जाए, अभी ताला वाला लगाए कि नहीं ठीक से, देखो अच्छे से बंद कर दो सब, तो सब उससे उसकी माँ भी उस पर विश्वास नहीं करती, चोर की ये दशा होती। प्रीत्य चाशुभान चाशुभान गतिम, मर करके अशुभ गति को प्राप्त करता है। गर्हितश्च भवतीति स्तेयात् विप्रमश्रेयान, और मरकर अशुभ गति को प्राप्त होता है, निंदा का पात्र बनता है, इसलिए चोरी से विराम ले लेना श्रेयस्कर है। तथा अब्रह्मचारी मद विभ्रमोद्रथित चित्त वन गज इव वासता वंचितो विवशो वध बंध परिक्लेशादीन अनुभवति,
मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यान विघ्नो भवति। न किंचित् अकुशलं नाचरति परांगनालिंगनासंगकृतरतिश्च इहैव वैरानुबन्धिनः लिंगच्छेदन वद बंध सर्वस्व हरणादीन अपायान प्राप्नोति। और जो अब्रह्मचारी होता है, जो कुशील प्रवृत्ति का होता है, वह उसके ऊपर उसी की धुन सवार होती है। और उसका मन उस विभ्रम से ग्रसित होता है और जंगली हाथी के समान ऐसा हाथी जिसको हाथिनी प्राप्त नहीं हो रही है, वो विवश होकर। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा वन हस्ती यानी जंगली हाथी जिसको पकड़ने के लिए एक हाथिनी को वहाँ पर बांधा गया है और किसी गड्ढे में सब घास फूस भर दी गई है उस हाथिनी के पास, तो वो हाथी जब उसके पास आएगा तो गड्ढे में चला जाएगा। तो इसी तरह विवश होकर वो फिर हाथी उसमें रहता है, 8-10 दिन उसको भूखा प्यासा रखा जाता है, फिर जो मालिक महावत होता है वो उसको पुचकारता है, उसको फिर अपने वश में कर लेता है, जीवन भर फिर वो दासत्व को प्राप्त हो जाता है। जो जंगली हाथी अपने झुंड का मालिक था, अब वहाँ पर आदमी का दास हो गया, तो उसको वो अंकुश से मारता है, उसको बांध के रखता है और बंधन में भी उसकी जो जंजीरें होती है उसमें भी कुछ चुभने वाली चीज़ें लगा के रखते हैं। तो ऐसे अनेक कष्टों को वो भोगता है। और जो अब्रह्मचारी होता है वो मोह से अभिभूत होने के कारण क्या करना क्या नहीं करना इस विवेक से शून्य होता है। और ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो वो न करता हो, जिसको कुशील की लत पड़ी हुई है। और पर स्त्री से शारीरिक संबंध रखने में जिसको प्रीति है, उसके कई वैरी इसी जन्म में शत्रुता कर लेते हैं और कई बार तो उसके शरीर के अंगों पांगों को भी काट दिया जाता है, उसकी पिटाई होती है, उसको बांधा जाता है, उसका धन छीन लिया जाता है, अनेक कष्टों को प्राप्त होता है। प्रेत वा शुभांग गति अश्नुते, मरकर अशुभ गति को प्राप्त होता है, गर्हितश्च भवति, और वहाँ भी उसकी निंदा ही होती है। अतो विरति रात्महत्येता, इसलिए कुशील से विराम लेना ही आत्मा के लिए अपने लिए कल्याणकारी है। तथा उसी तरह परिग्रहवान, जो परिग्रह से संपन्न होता है, वो शको निर्विगृहित मांस खंड अन्येषां तदर्थनां पतत्रणां इहैव तस्करादीनां अभिभवनीयो भवति। कोई पक्षी अपने मुंह में, चील या गिद्ध अपने मुंह में जब किसी सांप या मेंढक वेंढक को पकड़ करके उड़ जाता है तो सारे कौवे काँव काँव करके उसके पीछे लग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी उसका पीछा करते हैं। तो इसी प्रकार जो ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा कर लेता है तो उसको चोर आदि का बड़ा खतरा रहता है, और जब चोरी हो जाती है तो वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है। तदर्जन रक्षण प्रक्षय कृतांश्च दोषान बहु नवाप्नोति, उसको कमाने में उसको रात दिन एक करना पड़ते हैं, उसकी रक्षा के लिए उसको कितने उपाय करने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ते हैं। फिर प्रक्षय कृतांश्च, और फिर भी अगर पैसे चले जाते हैं उसके तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे बहुत सारे कष्टों को वो प्राप्त होता है। न चास्य तृप्तिर्भवति, बड़ी बात तो ये है
कि ईंधन ही रिभागने हैं, जैसे अग्नि को ईंधनों से तृप्ति नहीं होती, वैसे कितना भी कमा ले परिग्रही भक्ति तो जब हजारों की राशि थी तो सोचता था कि लखपति हो जाऊँ, लाखों की हो गई तो करोड़पति सोचता, फिर करोड़ों की हो गई तो फिर अरबपति बनने की सोचता है, कभी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। लोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यान अपेक्षु भवति, और लोभ से जब वो अभिभूत हो जाता है, यानी लोभ उस पर जब ज़्यादा हावी हो जाता है, तब वो उचित अनुचित का विवेक खो बैठता है। प्रेत चाशुभं गतिवा स्कंदति, मरकर दुर्गति को प्राप्त करता है। लुब्धोयमिति गर्हितश्च भवति, और सब लोग उसको लालची 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 बोल करके उसकी निंदा करते हैं। इति तद विरमणम श्रेयः, इसलिए परिग्रहों पर भी विराम लगाना हितकारी है। एवं हिंसा दिश्वापाय आबद्ध दर्शनम भावनीयम, इस तरह ये भावना करना है कि हिंसा दिख में अपाय भी है, यानी सब प्रकार के भय भी हैं, और अवध्य यानी ये नुकसान भी है जो अभी भी गिनाए पूरे। अपाय में बताया ना सात प्रकार के भय, और अवध्य में वो निंदा का पात्र बन जाता है। हिंसा दिशु भावांतर प्रतिपादनार्थम इदम इच्छते, भावनांतर प्रतिपादनार्थम इदम इच्छते। और हिंसा दिख के विषय में और क्या भावना कर सकते हैं आप? एक तो ये पांच पांच करके 25 भावनाएं तो बताई दी, वो महाव्रतियों के लिए थी। फिर एक भावना ये बता दी कि भाई हिंसा दिख के कारण इस जन्म में भी और आगामी भाव में भी निंदा प्राप्त होती है और हानियां होती है, डर रहता है। तो और क्या हो सकता है हिंसा दिख के बारे में, और क्या सोचा जा सकता है? तो आचार्य लिखते हैं दुःखमेव वा, हिंसा देख दुख रूप ही है, ऐसी भावना भा सकते हैं आप। कैसे? कि अगर हिंसा देख में प्रवृत्ति की तो फिर दुख का हस्ताक्षर आपने दे दिया, यानी दुख प्राप्ति का हस्ताक्षर आपने कर दिया अगर हिंसा देख में प्रवृत्ति की तो। इसलिए ये हिंसा देख दुख रूप ही है, यानी इनको करने के बाद दुख ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। परत्र दूसरों में भी यही भावना भानी चाहिए, यानी जैसे हिंसा देख मेरे लिए दुखदायी है भविष्य में, तो जब मैं हिंसा अधिक करता हूँ तो भविष्य तो क्या, वर्तमान में भी दूसरों को तो तकलीफ पहुँचती है, भविष्य में मुझे तकलीफ होगी पर वर्तमान में तो मैं हिंसा अधिक में प्रवृत्त होता हूँ तो फिर दूसरों को तकलीफ पहुँचती है। और जैसे मेरी तकलीफ मुझे अच्छी नहीं लगती, वैसे ही मेरे कारण दूसरों को तकलीफ होती है तो उनको भी वो अच्छी थोड़ी लगती होगी। इसलिए हिंसा देख का त्याग करना ही परम हित, अत्यंत हितकारी है। फिर बोलते हैं कि हिंसा देख जो पाप हैं, इनमें कुछ पाप तो सुखरूप लगते हैं, जैसे कुशील है तो अधिकांश लोग इसको सुखरूप मानते हैं। स्पर्श कृतम सुखमिति चेत न वेदना प्रतिकारत्वात्, आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो एक सुखाभास है
उसमें क्या होता है कि एक अंदर की जो कामना रहती है वो कामना से जो वेदना उत्पन्न होती है, आप स्पर्श के माध्यम से जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो उस वेदना का प्रतिकार कर रहे हैं, आप सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं, जो वेदना हो रही है वो वेदना दूर कर रहे हैं। यथा जैसे त्वक, मांस, रुधिर, कलुष, भावोद्गीर्णया, कंडवा, बाध्यमान, नख, मुख, शकल, शर्करादि भी छिन्न गात्रो, रुधिरार्द्रो नुपरत कंडुयो, दुःखमपि तत्सुखमिति मन्यते तथा अब्रह्मचारी। खतरनाक उदाहरण दिया, त्वचा, मांस, रुधिर और कलुष भावों से उद्गीर्ण जो खुजली उठती है लोगों को, जब किसी को खाज की बीमारी हो जाती है तो नख से, कभी पत्थर के टुकड़ों से और कभी कभी अपने दांतों से भी खुजाता हुआ अपने शरीर को घायल कर लेता है, लहू लुहान हो जाता है, फिर भी खुजली शांत नहीं होने से उसको दुख होता है, पर खुजाने के लिए थोड़ी देर सुखाभास होता है, खुजाते समय थोड़ी देर के लिए उसको सुखाभास होता है। उसी प्रकार जो शारीरिक सुख मिलता है इन पापों में से, कुछ पाप हैं अब्रह्म जैसे, तो वो भी एक प्रकार खाज खुजाने के समान ही है, उसमें वास्तविक सुख कुछ भी नहीं है। वर्णी जी ने जबलपुर में कहा था कि जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी हो वो अब आजीवन ब्रह्मचर्य ले लो। चलो कौन कौन हाथ उठाता है, तो वो सब ऐसे सिर नीचे करके बैठ गए। तो वर्णी जी को बड़ा विचित्र लगा उस दिन, उनको लगा कि अरे मैं तो सोच रहा था कि सब लोग थक गए होंगे, इतने 60 साल के हो गए तो फिर अब बहुत हो गया होगा, पर ये ऐसा हो जाता कि फिर जो आदत पड़ जाती है तो वो उस आदत को नहीं छोड़ पाते, वो भले ही कुछ उनको आनंद ना भी आता हो लेकिन बस उनको वो खाज खुजाने जैसी आदत पड़ जाती है तो फिर वो छोड़ते नहीं फिर, और छोड़ते अगर हिम्मत करके तो फिर छोड़ भी जाता है। उसके बाद वो लगता था कि अरे हम फालतू का वो सोच रहे थे कि नहीं हमसे नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, लेकिन संकल्प कर लिया तो अच्छा हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए 4 नक्षत्र बताए हैं, एक महीने में 4 ऐसे नक्षत्र आते हैं जब ब्रह्मचर्य का संकल्प कर सकते हैं अपन, बाकी दिन करते हैं तो फिर कभी मन चंचल भी होता है, लेकिन ये 4 अच्छे नक्षत्र होते हैं। एक है विशाखा, मूल, विशाखा मूल, धनिष्ठा, और पूर्वा भाद्रपद, ये 4 नक्षत्र होते हैं। फिर अणुव्रतों के भी, गुणव्रत, शिक्षाव्रतों के, 12 व्रतों के भी नक्षत्र अलग होते हैं, ये ब्रह्मचर्य व्रत के खासी है। अणुव्रत के अब भी लिखना है तो फिर अब भी लिख लो, नहीं तो फिर देखते हैं कितने नक्षत्र, 1, 2, 3 16 नक्षत्र हैं। यानी दूसरी प्रतिमा आदि धारण करने के लिए 16 नक्षत्र, पहली प्रतिमा में भी आ जाएंगे, अणुव्रत तो आते ही ना, अणुव्रत के बिना संयम संयम नहीं हो सकता ना। तो पहला अश्विनी नक्षत्र, फिर भरणी कृत्तिका छोड़ देना, रोहिणी नक्षत्र,
रोहिणी। तीसरा मृगशिरा। चौथा पुनर्वसु, फिर पुष्य, छठा उत्तरा फाल्गुनी, सातवां हस्त नक्षत्र। आठवां चित्रा, फिर स्वाति, दसवां अनुराधा, ग्यारहवां उत्तराषाढ़ा, बारहवां श्रवण, तेरहवां धनिष्ठा, चौदहवां उत्तराभाद्रपदा, पंद्रहवां शतभिषा, और सोलहवां अंतिम रेवती नक्षत्र। ये 12 व्रतों के लिए, आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए नहीं है ये, पर इनमें से कुछ आजीवन ब्रह्मचर्य के भी हैं, वो नीचे दे रहे हैं। कब कौन सा नक्षत्र चल रहा है कैसे पता चलेगा? पंचांग से उसमें कौन सा बड़ा भारी पंचांग में पता चल जाता है, पर अभी वो ऐप आता है ना पंचांग, दृक पंचांग एक ऐप आता है, तो उससे तो एकदम आपको यहाँ का पता चल जाएगा कि खराड़ी में कितने कब बजे कौन सा नक्षत्र है। स्थान में थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है, यहाँ पर मान लो 2 बजे तक के है, तो फिर कहीं और 3 या 3:30 बजे तक भी चलता है वो, तो उसमें इतना थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है। कोई भी व्रत नहीं है इनमें, 12 व्रत है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत है, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए नीचे बता रहे हैं। दिनों में शनि और मंगलवार त्याज्य हैं, और तिथियों में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी त्याज्य है। इन तिथियों में आप 12 व्रत न ले, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पंचांग में करण भी लिखा रहता है, तो करण में एक ही करण है जो अग्राह्य है, उसका नाम है विष्टि, विष्टि करण, उस करण में आप ये व्रत नहीं लेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए विशाखा, मूल, धनिष्ठा और पूर्वाभाद्रपद, यह 4 नक्षत्र प्रशंसनीय है। संदर्भ वत्थु विज्जा, आर्य का विशुद्ध मति माता जी, उन्होंने ये प्रमाण दिया है वत्थु विज्जा में। अब कई साधु लोग इसको काल शुद्धि को महत्व नहीं देते हैं। महापुराण में लिखा है कि जो आचार्य इस काल शुद्धि को महत्व नहीं देते, संघ को उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो पूर्वाचार्यों का क्रम तोड़ते हैं। इसलिए संघ को उन आचार्य का त्याग कर देना चाहिए जो काल शुद्धि को अमान्य करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और जिनसेन आचार्य कह रहे हैं, वो तो बड़े महान आचार्य थे।
कुछ नियम ऐसे भी हैं जो हम लोग यूज में नहीं आते, हमारी आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें उनका त्याग करने की भाव होती है। वो तो अनर्थ दंड त्याग में हो जाएगा ना, सबका त्याग, जो जो भी आप फालतू काम कर रहे हैं उसका त्याग अनर्थ दंड विरति में सम्मिलित हो जाता है। इतना सुंदर व्रत बनाया जिनेन्द्र भगवान ने कि अगर अकेला एक अनर्थ दंड विरति व्रत पूरे भारत के लोग ले लें तो फिर करोड़ों भूखों को भोजन मिल जाए। सौ % पड़ता प्रभाव। वो तो अब जब यहाँ पर पूर्वाचार्यों ने लिखा है कि ये काल सही है उसका, तो फिर उनने बहुत समझ करके लिखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे नादाने में कुछ भी लिख दे, पूरी तरह से जानकर लिखा है। क्रियासार नाम का एक पूरा ग्रंथ है उसके ऊपर, जिसमें पूरी काल शुद्धि का ही वर्णन है। पर थोड़ा उसके लिए ज्योतिष का ज्ञान चाहिए, क्योंकि वो ग्रंथ बिना ज्योतिष को नहीं समझ में आएगा। अब जो अनुवाद हुआ है उस पर देखना पड़ेगा कि कितना कठिन है कितना सरल है, पर महत्व है इसका। इसका एक प्रायोगिक रूप हम आपको बताते हैं। एक ज्योतिष थे, अभी तो नहीं रहे, वो पिछले साल ही चले गए। वो कहीं पता नहीं कहाँ से हमसे जुड़ गए, बोले कि मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे यहाँ आपके पास अच्छा लगता है कि मैं आपके पास आता हूँ। और फिर कई बातें वो करते थे चर्चा में, तो बहुत पूरे राष्ट्रीय स्तर तक वो उनका फैला हुआ था सब, और उनसे पढ़े हुए लोगों के लेख छपते रहते हैं पंचांगों में हमेशा। उनका नाम ब्राह्मण थे, मणि गौतम उनका नाम था। तो प्राय वो ब्राह्मण तो थे, लेकिन फिर भी श्वेतांबर लोग उनसे कभी कभी कुछ पूछते थे, बोलते थे कि क्या मणि गौतम जी बताइए, अभी ये इस समय हम दीक्षा देना चाहते हैं अपने शिष्य कुछ भक्तों को, तो आपका आपकी क्या राय है। उन्होंने बोला कि ये समय आप टाल दीजिए, किसी और समय दे दीजिए। और जिन्होंने नहीं टाला और उसी समय दीक्षा दी, उनकी दीक्षा छूट गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इसका बहुत ये क्या है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने सन 1935 में और सन 1940 में गोरल में चौमासा किया। गोरल उत्तर गुजरात में आता है, और वो जो चौमासा किया उन्होंने, वहां पर एक ज्योतिष थे, उनके साथ आचार्य श्री बैठ करके ये सब ज्योतिष का हिसाब किताब सीख रहे थे। तो फिर विद्वानों ने पूछा उनको कि आप ये इन सब पर विश्वास करते हो क्या, तो आचार्य श्री ने कहा कि मुनि दीक्षा बच्चों का खेल नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि काल शुद्धि जब हो तभी मैं दीक्षा दूं, काल शुद्धि देखने के लिए मुझे ये पढ़ना आवश्यक है। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, यानी उनका आचार्य पद जो था 1924 में उनको आचार्य पद प्राप्त हुआ था, और 1935 यानी 11 वर्ष बाद उन्होंने ये काल शुद्धि सीखी, और फिर 5 वर्ष बाद फिर से जाकर के वहीं चौमासा किया। तो कुछ महत्व की बात तो है, ये साधारण बात नहीं है। और फिर अब और उदाहरण देना उचित नहीं है,
कि मतलब अपने दिगंबर आमनाय में कितनी दीक्षाएं क्षतिग्रस्त हुई, कितनी दीक्षाएं असफल हुई, बहुत सारे उदाहरण हैं उसके, क्योंकि वो काल उसके योग्य था ही नहीं। दीक्षा देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निभाने में पूरा जीवन कप जाता है। और निभाते समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन क्रियाओं को निभा रहे, अपनी विशुद्धि को हमेशा, क्या कि साधुत्व के आनंद में जीना जीने वाला ही सच्चा साधु होता है। तो वो आनंद भी जरूरी है। इष्टोपदेश में लिखा है कि उस आनंद से जो निर्जरा होती है वही साधु की संपत्ति है। यानी आनंदो निर्धत्युद्घं कर्मेंधन मनार्थम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखेश्व चेतना। उस आनंद में कर्म भस्म हो जाते हैं और कितने भी कष्ट हों साधु खेद को प्राप्त नहीं होते, दुखी नहीं होते। और वास्तव में दुख में दुखी न होने का नाम ही साधना है। ऐसा बोलते हैं लोग, अभी आगम में अगर मिल जाए तो फिर अपन वैसा स्वीकार कर लें, बोलते जरूर हैं। और प्रयोग से भी ये बात सिद्ध है कि अमावस्या के दिन आत्महत्याएं अधिक होती हैं और पूर्णिमा के दिन हत्याएं अधिक होती हैं। तो कुछ तो होगा ना उसका संबंध। समुद्र में बड़ा अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष अंतर होता है समुद्र में। अमावस्या को बहुत दूर पानी चला जाता, एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर दूर चला जाता पानी, और पूर्णिमा को एकदम तट से उफान आता है उसमें। तो अगर समुद्र के जल में उफान आ रहा है, क्योंकि समुद्र तो जल राशि है, तो फिर अपने अंदर के पानी में क्या कोई असर नहीं आता होगा? बिल्कुल आता होगा। तो और कौन सी भावनाएं हैं जो व्रति भाते हैं? तो आचार्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ज्ञानों में लिखा है कि जब साधु को ध्यान में बैठना होता है तब ये चार भावनाएं भाते ही हैं। उनसे चार भावना मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्यान च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। विनेयेषु, विनयेषु नहीं है, विनेयेषु। तो इसको यथासंख लगाना है क्रम से। दूसरों को दुख न हो ऐसी कामना करना मैत्री है। सुखी रहें सब जीव जगत, इसको मैत्री भाव कहते हैं। फिर प्रमोद का अर्थ होता है हर्ष, किसके प्रति? गुणी जनों के प्रति। अगर कोई व्रति मिल जाए, कोई प्रतिमाधारी मिल जाए, कोई त्यागी मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कोई माताजी मिल जाए, तो एकदम हर्ष उल्लास के भाव अंदर में आते हैं दूसरे व्रतियों। और कारुण्य, अगर कोई दीन दुखी है तो उनके उनकी पीड़ा का प्रतिकार करने की भावना करुणा है। और माध्यस्थ का अर्थ होता है तटस्थ होना। कोई उल्टा ही चलना चाहता है तो फिर अब आप क्या करोगे, कितना उसके पीछे पड़ोगे? फिर अंत तो अब तटस्थ ही होना पड़ता है कि भाई वो उसको जो करना है करने दो, अपन अपना धर्म ध्यान करते रहो। अपन उसके पीछे फिर अपने भाव मत बिगाड़ो, क्योंकि कुछ लोग रहेंगे जो उल्टा चलेंगे। हर जगह ऐसा होता है। सज्जन शब्द ही इस बात को सूचित करता है कि कोई दुर्जन भी है। अच्छाई अपने आप में कह रही है कि कोई बुराई भी है, तभी तो उसको नाम अच्छाई मिला है। तो किन के प्रति? तो बोले सत्व, मैत्री भाव, सत्व यानी प्राणी मात्र के प्रति।
सत्व का अर्थ प्राणी होता है। फिर प्रमोद भाव किनके प्रति? गुणाधिक, जो मोक्ष मार्ग संबंधी गुणों में अधिक है। नहीं तो गुणाधिक तो इधर भी बदमाश लोग बहुत गुणी होते हैं, उनकी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग में गुणों में अधिक है उनके प्रति प्रमोद भाव। फिर जो क्लिश्यमान है, क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, उनके प्रति करुणा भाव। और अविनेय, जो अपने शिष्यत्व को प्राप्त नहीं होते किंतु उल्टा चलना चाहते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव। और कोई भावना होती है क्या व्रतों की पूर्णता के लिए? क्योंकि ये जितनी भावनाएं अपने अंदर रहेगी तो अपन भावों में जब जीने लगेंगे तो फिर अपने जो अपनी जो क्रियाएं हैं वो सार्थक हो जाएंगी। केवल क्रिया क्रिया में रहेंगे और अपने अंदर भाव निर्मल नहीं होंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो ये भावनाएं बताई जा रही हैं कि मेतावान एव अभिनवा कुशल कर्मादान निवृत्ति परेण महाव्रत धारिणा क्रिया कलाप प्रणिधातव्य नित्यादि नित्याह। बोले कि बस इतना निश्चित कर लें कि महाव्रत को धारण करने वाले इतना क्रिया कलाप कर ले तो फिर बस हो गया काम। तो आचार्य बोलते हैं कि नहीं, कुछ और बाकी है। वो क्या बाकी है? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थ। संवेग संसार से डरने का नाम संवेग है। संसार से डरने का मतलब दुनिया की कठिनाइयों से डरना नहीं है। संसार से डरने का अर्थ है चार गतियों में जो भ्रमण हो रहा है जीव का, उससे डरना, उसको संवेग कहते हैं। और वैराग्य किसको कहते हैं? जो भोग हैं उनके प्रति विरंजन, यानी एक उदासी सी आ जाती है, बहुत हो गया उससे। आप बहुत स्वादिष्ट किसी वस्तु को बना करके खाने बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे लड्डू बने मान लो गर्मा गर्म है, तो आपने अपनी थाली में परोस लिया। अब खाली पेट है तो फिर ले लेते हैं, परोसने में एकदम उदारता और परोसवाने में भी एकदम द्वार खुले रखते हैं। डालो डालो और डालो। उसके बाद सात की संख्या के बाद क्या हालत होती है सबको अनुभव है। और फिर भी अगर कोई जबरदस्ती मुंह पकड़ करके खिलाई दे तो उसके बाद फिर पानी पीने के बाद एकदम कैसा चेहरा हो जाता है और कैसे चाल भी कैसी हो जाती है, जैसे कि मतलब हॉस्पिटल से निकल एक हाल बेहाल हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये हालत ऐसी है कि ये जो इंद्रिय सुख हैं अतिरेक होने पर झेले नहीं जाते और अभाव होने पर कामना में वृद्धि होती है कि और मिल जाए और मिल जाए। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने एक कहानी सुनाई थी, सेठ जी के यहाँ पर पुत्री का विवाह था तो बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने वो आयोजन किया था कार्यक्रम को, और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहीं दूर से किसी बड़े कुशल रसोइये को बुलाया था और जो सामग्री दी थी वो रसोइया सोचता है कि ऐसी सामग्री मैंने बरसों बाद ऐसी सामग्री देखी, बल्कि मुझे लगता है कि ये उससे भी अच्छी है। तो इस सामग्री से बनी हुई जो वस्तु है निस्संदेह बनाने की कुशलता मेरे पास तो है ही है, तो वो एक हिसाब से देखें तो लाजवाब ही बनेगी वो चीज। लेकिन फिर उसके अंदर एक भय आया कि इतने अतिथि आएंगे
कहीं सब समाप्त न हो जाए, मेरे लिए कुछ भी न बचे, वो स्थिति न आ जाए। इसलिए मैं बनाता भी जाता हूँ और फिर थोड़ा सा स्वाहा भी करते जाता हूँ। तो उसने वैसे ही किया, बनाता गया, उधर जहाँ पर वो बने हुए लड्डू ताज़े रखते थे वहाँ रखता भी गया और फिर यहाँ अपने अंदर भी डालता गया। तो ऐसा करते करते ऐसी स्थिति आ गई, वो बहुत ही स्वादिष्ट बने थे लड्डू, कि उसको बैठना मुश्किल हो गया। और फिर भी उस तृष्णा शांत नहीं हो रही थी उसकी। तो थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति हो गई, ज़्यादा खाते खाते, कि वो ज़मीन पर लेट गया। तो फिर आसपास के जो दूसरे रसोइये थे, ये तो मिठाई बनाने वाला था, तो और जो दूसरी चीज़ें बनाने वाले थे, उन्होंने देखा कि इसको क्या हो गया है। तो उन्होंने मालिक को समाचार दिए, सेठ जी को, सेठ जी उस रसोइये को कुछ हो गया, वो बहुत दूर से आया था, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो सेठ जी ने पूछा कि भाई क्या हो गया है। हाँ, ऐसा कर रहा था। तो फिर सेठ जी ने बोला कि भाई बेटी का विवाह है और कहीं अमंगल ना हो जाए। तो फिर सबसे अच्छे रसोइये को, सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने ऐसे नाड़ी देखी और फिर उसकी आँख देखी, तो आँख देखकर वैद्य जी ने ऐसे ऐसे किया। तो फिर उसने ऐसे ऐसे किया, तो वैद्य जी ने लोगों से कहा कि जब तुम लोग पीछे हट जाओ थोड़ा, हम बात कर लेंगे मरीज से। तो वो बोलते हैं कि वैद्य जी आप समझ तो गए हो, तो अब आप किसी को बताना मत। तो बोले नहीं, मुझे क्या पड़ी है किसी को बताने की, तूने जो किया सो किया, अब तेरे को तकलीफ हो रही है तो मैं इलाज तो करूँ। तो फिर वो इलाज के लिए भी ना 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 बोलने लगा। तो फिर वैद्य जी बोलते हैं कि भाई तेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, सेठ जी तेरा इलाज करा रहा है, तो फिर तू पैसे की चिंता मत कर। बोले कि नहीं, मेरे को पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं करानी दवाई। फिर सेठ जी आए, सेठ जी ने उनको समझाया कि भाई बहुत अच्छे वैद्य जी हैं, तुम्हें दवाई अच्छे से दे देंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, मेरी हालत एक ग्लास पानी पीने की भी नहीं है। तो फिर वो सेठ जी वैद्य जी से बोलते हैं कि कोई कम मात्रा वाली कुछ दे दो। बोले कि हाँ मेरे पास तो है, वो जो होम्योपैथी की जो गोली होती है, बस उतनी छोटी सी गोली दूंगा मैं उनको, और इसको बस एक दो बूंद पानी के साथ बस गले के नीचे सटका देना है बस। तो एक ग्लास पानी की पीने की कोई बात नहीं। तब वो उत्तर देता है, वो कहता है कि वैद्य जी अगर इतनी जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेंगे। तो वैराग्य के लिए आचार्य कह रहे हैं कि शरीर के स्वभाव का विचार करो। कैसे विचार करोगे शरीर के स्वभाव का, कि इसमें ये सात धातु भरी हुई है लेकिन दिखती तो है नहीं, पूरे ऊपर से त्वचा से सब पैक है, तो फिर ऊपर से तो बहुत साफ सुथरा बढ़िया सा लगता है शरीर। तो फिर चलो कोई बात नहीं, एक विद्वान ने एक बार कहा था कि कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु हो, उसको खाते समय कोई मुंह खोलकर आईना नहीं देख सकता। कैसी भी स्वादिष्ट वस्तु हो, उसको खाते खाते कोई मुंह खोलकर आईना नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आईना देखेगा तो उसको ग्लानि हो जाएगी। यानी आप सोचो कि वो वस्तु शरीर के अंदर जाना तो दूर की बात है, मुंह में ही उस मटिया मेट हो जाती है।
मुंह में डालो बाटी है, घाट उतरते माटी है, ये स्थिति है। तो संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव का विचार करना और शरीर के स्वभाव का विचार करना, बार बार इसकी भावना करना, ये जगत कैसा है, चार गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, 197 लाख कुल कोटियां हैं, 14 गुणस्थान है, 14 मार्गणास्थान है, 14 जीव समास है। इस जगत में भटकते हुए कितना समय व्यतीत हो गया, सिर्फ रूप और क्षेत्र बदलते रहता है जीव। इस जन्म में कोई दूसरा रूप मिला है, फिर कोई नया रूप मिल जाएगा, और स्थान बदल जाएगा, एड्रेस बदल जाएगा, ड्रेस बदल जाएगा। आचार्य ने कुंडलपुर में कहा था, व्हाट इज डेथ, मौत क्या है, तो बोले जस्ट ए चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस, मात्र ड्रेस और एड्रेस बदलने का नाम मौत है। मरने से कोई अंत थोड़ी हो जाता है, सिर्फ वेश बदल जाता है और स्थान बदल जाता है, पता बदल जाता है। तो इस तरह इन भावनाओं का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इसके बाद 5 पापों का वर्णन आगे आ रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसको बहुत सावधानी से समझना होगा, क्योंकि जो दुनिया जिसको हिंसा झूठ आदि मानती है उससे थोड़ा हट करके है। जैनाचार्यों ने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को थोड़ा और बारीकी से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों को सापेक्ष करके समझाया। हिंसा के विषय में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में 27 उदाहरण दिए, और उन 27 उदाहरणों में ये बताया है कि कभी कभी ऊपर से देखो तो लगता है कि हिंसा हो रही है और उसको पुण्य का बंध हो रहा है, और कभी ऊपर से देखो तो लगता है कि रक्षा हो रही है और उसको पाप का बंध हो रहा है। कई उदाहरण दिए उन्होंने, कहीं बाहर से हिंसा ज़्यादा हो रही है अंदर से कम हो रही है, कहीं बाहर से हिंसा कम हो रही है अंदर से ज़्यादा हो रही है, अलग अलग प्रकार से समझाया उन्होंने। तो इसको अपन हिंसा आदि का वर्णन आगामी सत्र में देखेंगे, आज अपन ने भावनाओं का वर्णन। जैसा यहाँ पर जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा वैसा देख लेंगे। जैनम जयतु शास्त्रम।